फिल्म काली पर विवाद और गहराता जा रहा है। इस पर सियासत भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। फिल्म के पोस्टर विवाद के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अपने विवादित बयान से घिर गई। उन्होंने मां काली पर कहा है कि लोग मां काली को देवी काली अपनी आस्था के हिसाब से देखते हैं और वो मां काली को मांसाहारी देवी की तरह देखती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो मां काली को शराब स्वीकारने वाली देवी की तरह देखती है, जिस पर बीजेपी ने जोरदार वार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर टीएमसी से सवाल पूछा है, क्या महुआ मोइत्रा को ममता बनर्जी पार्टी से बाहर करेंगी? क्या महुआ मोइत्रा पर केस दर्ज किया जाए? दूसरी तरफ इस फिल्म को की निर्माता और निर्देशक लीना मणिमेकलाई पर कई शहरों में केस दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की मांग बेहद तेज हो चली है। तो मां काली का अपमान क्यों, सवाल सीधे तौर पर पूछा जा रहा है। विवादित पोस्टर जिसके बाद विवाद कई खड़े हुए, लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नेता इस तरह के विवादित पोस्टर के समर्थन में भी उतर आता है। हालांकि टीएमसी महुआ मोइत्रा के बयान से अभी तक किनारा करती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली पर क्या विवादित बयान दिया जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से इस पर सियासी बयानबाजियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो पोस्टर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस पोस्टर पर विवाद है। लेकिन उन्होंने कहा कि कौन कैसे देवी काली को देखता है ये उसकी आस्था पर निर्भर करता है। ये महुआ मोइत्रा कह रही है, जो कि टीएमसी की सांसद है। एक हिंदू होने के नाते मैं काली मां को मांसाहारी और शराब स्वीकारने वाली देवी की तरह देखती हूं। ये उन्होंने सीधे शब्दों में कहा। इसका मतलब यह है कि जो पोस्टर सामने आया महुआ मोइत्रा उसका समर्थन कर रही हैं। हालांकि सवाल इस बात का है कि अगर आपकी आस्था है तो सवाल दूसरों की आस्था का भी है। ऐसे में आप इस तरह से टिप्पणियां करते हुए क्यों बाज नहीं आते, वो भी जब आप पब्लिक फिगर हैं। अब अमित कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, बीजेपी सीधे तौर पर टीएमसी महुआ मोइत्रा दोनों को आड़े हाथों ले रही है। वो कह रही है कि आपकी सोच ये बताती है कि आप हिंदू धर्म की आस्था को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, मुझे लगता है इस पूरे मामले में जिस तरह का बयान महुआ मोइत्रा का आया है वो इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रहा है, भड़का रहा है। क्योंकि देखिए, ऐसे वक्त पर जब पूरा ये मामला इतना सेंसिटिव है, किसी न किसी जैसे हिंदू धर्म के आस्था से जुड़ा, ऐसे में अगर आपको आता है तो इसका मतलब साफ है कि आप उस आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। और खास करके बंगाली अगर तो महुआ मोइत्रा उस कलकत्ता से बंगाल से आती है जहाँ माँ काली की पूजा होती है, और ऐसे में अगर इस तरह का बयान देना, इस तरह की बातें करना, और इसलिए बीजेपी ने की तरफ से ये साफ बड़े सदे शब्दों में बयान आया कि महुआ मोइत्रा जैसे लोग जो है कम से कम उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए किसी की भाषा किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का बयान है, हालांकि बाद में वो इस बात को मना कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के देखिए तो ये अपने आप में बहुत ही खराब बयान है। अच्छे वक्त पर जब लोगों के सेंटिमेंट काफी हाई है, सीधे लोगों को आधार आस्था को बनाया जा रहा है। वो कह रही है कि मेरी आस्था ये कहती है कि माँ काली जो थी वो मांसाहार ग्रहण करती थी। वो कहती है कि मैं ऐसे ही देखती हूँ माँ काली को। तो ये अगर आपकी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो आस्था तो दूसरों की भी जुड़ जाती है। हो सकता है कि जो माँ काली से आस्था रखते हो वो ये सुनना पसंद भी ना करें। टीएमसी ने अपने आप को पूरे इस बयान से अलग कर दिया। टीएमसी ने कह दिया ये महुआ मोइत्रा का व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे लेना देना नहीं है। क्योंकि टीएमसी को पूरी तरह से एहसास है ये बयान पूरी तरह से गलत बयान है। वो अपनी भावना करोड़ों हिंदुओं की भावना को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है जो काली माँ को मानते काली माँ का भक्त है। और इस तरह के बयान मुझे लगता है कोई भी जो थोड़ी अगर जो हिंदू धर्म या किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा वो महुआ के इस बयान का समर्थन कर ही नहीं सकता है। तुरंत ही टीएमसी से बयान दिया कि वो अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं और महुआ मोइत्रा को इस तरह से चीजों से समझना चाहिए। जब बोलती है तो क्या बोलती है, कुछ भी बोलती है, कुछ ही बोल देने से आप उसके बच के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार तो ये लगता है अमित कि ये सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। जब आपको पता है कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है, बावजूद इसके आप जनप्रतिनिधि होने के नाते भी ये बयान कैसे दे सकते हैं? एक बार फिर से अमित आपका रुख करेंगे, लेकिन फिल्म काली के विवादित पोस्टर पर कनाडा से माफी आई है। टोरंटो के आगा खान म्यूजियम ने बयान जारी कर इसके लिए माफी मांगी। आगा खान म्यूजियम में काली फिल्म दिखाई गई थी जिसके बाद इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। म्यूजियम ने कहा कि पोस्टर से हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंची और उसे हम कंसिडर करते हैं, इन भावनाओं को आहत करने वाला मानते हुए इस पर खेद जाहिर करते हैं। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने भी काली फिल्म के विवादित पोस्टर पर आपत्ति जाहिर की थी और उसके बाद
ये रिएक्शन सामने आए हैं।